नमस्कार, भारत खबर में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली जो आगामी वीडियोज हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे बेवाक अंदाज में। आज फिल्मी सफर की कई सारी खबरें आपके साथ होंगी एक के बाद एक, तो शुरू करते हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक बार फिर सुर्खियों में आना शुरू कर दिया है। बगावती तेवर और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली कंगना इस बार रानी मुखर्जी को अपने निशाने पर लिया है। एक साक्षात्कार के दौरान रानी मुखर्जी को एक जनरल दर्जे की मामूली एक्ट्रेस बताया है, इस पर बवाल खड़ा हो गया है। दूसरी खबर है, भारत में बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा जैकलिन फर्नांडिस के हमशक्ल की चर्चा है। इस बीच गेम ऑफ थ्रोन्स के मशहूर एक्टर टायसन लेनिस्टर का हमशक्ल भी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल गेम ऑफ थ्रोन्स में टायसन लेनिस्टर का किरदार निभाने वाले पीटर डिंकलेज ने हमशक्ल की तस्वीरें और कुछ वीडियोज मीडिया पर वायरल की हैं, जिससे उन्हें अच्छा खासा फुटेज मिल रहा है। और एक खबर आ रही है अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा को लेकर के। दरअसल ये दोनों बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक माने जा रहे हैं। दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे से डेट कर रहे हैं और इन दोनों की बी टाउन में दोनों की शादी होने की चर्चा जोरों पर है। चर्चा थी कि दोनों जल्द ही शादी के रिश्ते में बदलने वाले हैं, लेकिन अर्जुन कपूर और मलाइका की शादी की चर्चाओं को लेकर अब अर्जुन के पिता बोनी कपूर सामने आ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये महज एक अफवाह है, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की बायोपिक अगले 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। ऐसे में चुनाव आचार संहिता की बातें करने वाले लोगों को विवेक ओबराय ने एक नई नसीहत दी है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो है किसी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म की तरह ही से देखे जाना चाहिए। हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर फिल्म के रिलीज पर बैन लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर बनी फिल्म का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। तीसरा, कंगना रनौत ने पिछले दिनों मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को सपोर्ट न करने को लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को आड़े हाथों लिया था। अब एक बार फिर कंगना रनौत ने दोनों एक्ट्रेस की खिंचाई की है। इस बार कंगना ने आलिया रणबीर को बेवकूफ़ तक कह डाला है। क्या बात है यार, मिड डे के दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने रणबीर आलिया को इस जनरेशन का युवा चेहरा बताए जाने की आलोचना की है। तो फिल्मी गपशप की और तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पर हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करिए, और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिए।